नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अशोकनगर जिले के डुंगासरा में संपन्न हुआ ऐतिहासिक ब्रह्म महायज्ञ में श्री राम कथा का वाचन करने आई छिंदवाड़ा जिले की कुमारी वर्षा रघुवंशी ने फास्ट समाचार से विशेष साक्षात्कार के दौरान कहा कि बचपन से ही उनके मन में श्री राम के भजन के प्रति लगन थी। मेरे प्रेरणादायक मेरे पिताजी ही है जो मेरे गुरु हैं। हम इस समय कथावाचक हैं, वर्षा रघुवंशी जी छिंदवाड़ा से हैं, उनके साथ बैठे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में कैसे आए और कौन प्रेरणादायक था उनका। तो वर्षा जी, आप बताइए कि ये जो आपने कथा का क्षेत्र सुना, तो आप इसमें कैसे आए, ये भावना आपको कैसे आई? मैं कथावाचक हूँ, कोई पुलिस बनना चाहता, कोई मजिस्ट्रेट बनना चाहता, लेकिन आप कथावाचक बनी और किसने आपको ये प्रेरणा दी? सबसे पहले सब कुछ ऐसा और इस क्षेत्र में आना, मन में भावना उत्पन्न करना, बचपन से ही घर में ऐसा भजन का, भगवान के भजन का माहौल है, सब भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जितनी कथा मैं भगवान की गाती हूँ, सब पूछते हैं कि आपने कहाँ से सीखा है, शिक्षा ग्रहण किया है, तो सबसे बड़ी तो परमात्मा की कृपा है। और मैं कहीं आश्रम में नहीं गई, कहीं कथा मैंने नहीं सीखा, मुझे जितनी कथा सिखाया है मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया। ये मेरे पिता भी हैं और यही मेरे गुरु भी हैं। हर माता पिता अपने बालकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं और जिंदगी की हर खुशी देते हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा राम नाम दिया है कि मुझे एक जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर तक मुझे काम आता रहे। पहले राजस्थान में हुई, हिमाचल प्रदेश में हुई, महाराष्ट्र में हुई, भारत के अन्य जगह में हुई। ये वर्षा रघुवंशी जी हैं, कथावाचक हैं, मानस के किला के नाम से जाना जाता है और मूल रूप से छिंदवाड़ा से हैं और डुंगासरा जो त्रिवेणी के रूप में आज जाना जा रहा है वहाँ पर श्री राम कथा का वाचन कर रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। विजय रघुवंशी विद्रोही की रिपोर्ट।